हाँ जी संदीप जी, क्या कुछ मामला? भाई मैं उरे जूस लग रहा गार्डन आंदे सीधे ले लठ मलठ जुट गए भाई। कितने बंदे? भाई बंदे तो एक जना तो दिखा था मैंने, बाकी को नहीं दिखे। कहे थे ना भाई लठा में कुछ नहीं दिखता, जद लाग गया तेने वेरा है भाई। किस बात को लेके? बातें को नहीं भाई, बात का तो वेरा होंदा जे कि मैं सुलझा लंदे, बातें का तो कोनी वेरा, कोई बात को नहीं थी, कोई कुछ नहीं था मैटर। लेकिन आंदे दारू पी रहे थे अपना। तो जो बंदे थे वो पहचान में आए? पहचानना तो ऐडे थे भी, वो पीछे था ही जो बंदा दीवार दर्द करे नहीं, वो बंदा ऐडे पीछे था है भाई। हाँ आप ये देख सकते हो, ये जो देख ले वो उनका मैंने वारदात सुन के सबूत देख ले भाई। तो हम आपको ये दिखा चुके हैं, आपको ये शीशा है, जो ये शीशा भी तोड़ा गया है ये देखो। हाँ सर, कितने? काफी बंदे थे जी, ये दो बंदे तो पूरे तेजधार हथियार लेके घूम रहे थे मार्केट में पूरा, और जो भी बंदा सामने आ रहा था उसको ही पूरा मतलब वो कर रहे थे फोर्स। पुलिस प्रशासन से बातचीत करी कितने? पौने कम से कम पौने एक घंटे के बाद प्रशासन पहुंचे है। सभी लोग कॉल करते रहे, रोड जाम किया, उसके बाद पुलिस प्रशासन पहुंचे है। उससे पहले पुलिस प्रशासन भी नहीं पहुंचा, फोन करते रहे एसएचओ साहब को, वहां पे हमारे बंदे हैं, उन्होंने उनको फोन किया तीन बार, उसको बोला हाँ पे जब यहाँ पे कोई काम गलत हो जाएगा तब आओगे आप, तब जाके पुलिस प्रशासन। तो सर रोड जाम करने के बाद ही पुलिस प्रशासन? रोड जाम करने के बाद पुलिस प्रशासन आया, उससे पहले कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया यहाँ पे। रोड जाम हुआ तब जाके आया है। इतनी दूर बंदा, एक ही तो दुकान बिल्कुल वो उधर नुक्कड़ में है, वहां जाके भी उसके साथ हाथापाई किया। बताओ नहीं नहीं उसने काफी दुकानों पे, यहाँ पे इस दुकान पे हमला किया, ये मोबाइल की दुकान है इस पे है, वहाँ पे जाके घंटों की दुकान है उनकी, उस पे जाके फिर हमला किया। अभी उससे बात करिए जिसके ऊपर हमले का आरोप लगाया जा रहा है, उसका कहना ये है कि दुकानदारों ने घेर कर मेरे से मारपीट करी और मेरे से लूटपाट करी। ये तो जी कैमरा लगे हुए हैं सामने, आप इनकी फुटेज भी देख सकते हो, भाई किसने पहले कुछ किया है या नहीं किया है ये आपके सामने भी आ जाएगा, आपको भी फुटेज मिल जाएंगी इन चीजों की, ये आपके सामने। तो आप ये देख सकते हो, ये गिलास था वो गिलास भी टूट चुका है, आप ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हो। और जो ये हथियार था, ये हथियार से वार किया गया है, आप ये लाइव तस्वीरों में देख रहे हो, ये हथियार से वार किया गया है। जो ये विश्वकर्मा चौक के ऊपर मोबाइल की शॉप है, और ये जूस की शॉप है, आप ये तस्वीरों में देख सकते हो। और ये कंच यहाँ पर गिलास, ये जो कंच है, जो शीशा है, ये टूटा हुआ है, आप ये बड़ी वारदात आप देख सकते हो, उसके गिलास भी तोड़े गए हैं, आप ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हो। और यहाँ पर दो तीन दुकानों में बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ की गई है। क्या मामला था जो कि आपने जानने की कोशिश की? आप इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। और अभी यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी, और जिसको चोटें आई थी उनको सिविल हॉस्पिटल नरवाना में ले जाया गया था। आप ये लाइव तस्वीरों में देख रहे हो। सर कितनी दुकानों में तोड़फोड़? एक साइड वाली दुकान जी, एक ये दुकान, एक वो देखो इतनी दूर दुकान है, वो यहाँ पे सेल लगाई हुई थी घंटों की, दीवार घड़ियों की। तो सर अभी एफआईआर कटवाई? एफआईआर कटवाई जी, एसएसओ साहब को दे दी है एफआईआर। एक घंटे बाद पहुंचा जी जाम लगाने के बाद, हम लोगों ने जाम लगाया है, जाम लगाना पड़ा जी, जाम लगाने के बाद पुलिस प्रशासन पहुंचा है पौने घंटे के बाद कम से कम। देख सकते हो जो विश्वकर्मा चौक से लाइव तस्वीर देख रहे हो, और ये शॉप है जो मोबाइल के, ये शेयर कर दीजिएगा। देखते रहिए उल्लास हरियाणा न्यूज, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंद भाई।